इस तरह से दोस्तों आप सिस्टम में यहाँ पर जाते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिसेट जो ऑप्शन है इसको आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर नया अपडेट में दोस्तों यहाँ पर नॉट वर्किंग है। तो दोस्तों इसको कैसे अनलॉक करना है ये आपको यहाँ पर बताएंगे। हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों वीवो Y21 ये मॉडल है दोस्तों और यहाँ पर जो है FRP लगा हुआ है। FRP दोस्तों यहाँ पर रिसेट ऑप्शन में यहाँ पर वर्किंग नहीं कर रहा है। तो कैसे दोस्तों यहाँ पर न्यू यहाँ पर अपडेट में आपको यहाँ पर वर्किंग में लाना है ये आपको यहाँ पर ट्रिक आपको यहाँ पर बताएंगे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से नेक्स्ट आपको यहाँ पर करना है दोस्तों, आपको चेकबॉक्स को टिक करके यहाँ पर नेक्स्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर आपका हॉटस्पॉट को आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है और हॉटस्पॉट को यहाँ पर चॉइस करके दोस्तों इस तरह से हॉटस्पॉट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और हॉटस्पॉट को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर आगे जाना है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पर हॉटस्पॉट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपका इस तरह से इंटरफेस आएगा और आगे में दोस्तों मेल आईडी आएगा और जो आपको पता नहीं है तो आपको कैसे दोस्तों यहाँ पर वर्किंग नहीं कर रहा है तो कैसे इसको अनलॉक करना है ये ट्रिक आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपका नहीं होगा तो आपको बैक बटन को यहाँ पर एक बार प्रेस कर लेना है और उस पर दोस्तों वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखना है। दोनों को जैसे ही एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे दोस्तों आपको जो है यहाँ पर इस तरह से टर्न ऑन का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर प्रेस करना है तो आपको जो है फिर से आपका यहाँ पर टर्न ऑन का जो है आपका इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा टॉल बैक का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से राइट चिन्ह आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। राइट चिन्ह यहाँ पर ड्रॉ करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। उसको यूज वॉइस रिकमेंड में सिंगल टच और यहाँ पर डबल टैप करना है ओपन गूगल असिस्टेंट, ओपन गूगल असिस्टेंट यहाँ पर आपको बोलना है। इसके बाद दोस्तों आपको यूज गूगल विदाउट अकाउंट वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन को दोनों को एक साथ प्रेस करके टॉल बैक को जो है ऑफ कर देना है। उसके बाद दोस्तों एरो चिन्ह को आपको यहाँ पर करना है, लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डन में सेलेक्ट कर लेना है, इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बोलना है ओपन सेटिंग, ओपन सेटिंग यहाँ पर बोलना है। यहाँ पर ओपन सेटिंग जैसे ही बोलेंगे दोस्तों यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा सेटिंग का। यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पर सिस्टम का, सिस्टम में आपको यहाँ पर जाएंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो रिसेट ऑप्शन है, रिसेट ऑप्शन में यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आपका यहाँ पर वर्किंग नहीं है। तो इस तरह से रिसेट जो ऑप्शन है दोस्तों ये आपका यहाँ पर वर्किंग नहीं है। तो इसको कैसे आपका यहाँ पर वर्किंग यहाँ पर करना है दोस्तों ये आपको यहाँ पर ट्रिक आपको यहाँ पर बताएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको रिसेट ऑप्शन में आपको यहाँ पर नहीं आपको यहाँ पर वर्किंग हो रहा है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर आना है दोस्तों। आपको यहाँ पर आने से एक नया ऑप्शन एक खुलता है ये आपको यहाँ पर आगे दिखाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपका रिसेट ऑप्शन यहाँ पर वर्किंग नहीं है, इसको क्लोज कर देना है टॉल बैक को। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों को एक साथ यहाँ पर प्रेस करके रखना है। इस तरह से एक साथ प्रेस करके रखेंगे दोस्तों और अलाउ का जो ऑप्शन है दोस्तों वहाँ से जाने से यहाँ पर अलाउ करने का ऑप्शन नया ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर राइट चिन्हों को यहाँ पर ड्रॉ करना है दोस्तों, यूज वॉइस रिकमेंड में सिंगल टच और यहाँ पर डबल टैप करना है और यहाँ पर आपको बोलना है दोस्तों ओपन गूगल असिस्टेंट, ओपन गूगल असिस्टेंट यहाँ पर आपको बोलना है। उसके बाद दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर बोलना है ओपन गूगल, ओपन गूगल यहाँ पर आपको बोलना है। एक बार में नहीं आता है, माइक चिन्ह को आपको यहाँ पर प्रेस करना है और ओपन गूगल यहाँ पर आपको बोलना है। आपको क्रोम नहीं खोलना है दोस्तों, आपको गूगल खोलना है, क्रोम में आपका वर्किंग नहीं करेगा। उस पर दोस्तों सर्च बार में आपको यहाँ पर जाना है, उससे पहले टॉल बैक को यहाँ पर ऑफ कर देंगे। इस तरह से दोस्तों आपको टॉल बैक को यहाँ पर ऑफ कर देंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च में आपको जाएंगे और सर्च में जाने पर दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करेंगे FRPFILE.com/bypass ये जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, सबसे ऊपर वाला है, इसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसको यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स मिलेगा, इसको आपको यहाँ पर टिक करना है और आगे का प्रोसेस आपको जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आने के बाद इस तरह से यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक कर लेना है और आपका आगे जो है ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको FRP जो है आपका इस तरह से आपको आएगा ऊपर में दोस्तों, आपको यहाँ पर आपको सेट अनलॉक स्क्रीन जो है आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में इसको कर लेना है, पैटर्न सेलेक्ट कर लेना और एक पैटर्न आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है दोस्तों जो आपको आसानी से याद रहे। यहाँ पैटर्न को दो बार ड्रॉ कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको पावर ऑन बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर ऑन करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन लॉक 100% यहाँ पर लग चुका है। तो इस तरह से स्क्रीन लॉक यहाँ पर को खोल लेंगे दोस्तों, स्किप कर लेंगे और आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर बैक यहाँ पर चलाएंगे, इस तरह से बैक यहाँ पर आएंगे दोस्तों, बैक यहाँ पर आएंगे।
इस तरह से बैंक यहाँ पर आएगा दोस्तों, और यहाँ पर क्लोज कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर FRP अनलॉक को यहाँ पर टच करेंगे। यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे दोस्तों, कुछ देर के बाद है आपको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर डॉन्ट कॉपी वाले ऑप्शन में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों डॉन्ट कॉपी वाला सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको इंटरफेस आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इंटरफेस चेकिंग इन्फो आएगा। उसके बाद दोस्तों कुछ देर इंतजार करना है, और आपका मेल आईडी का जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों मेल आईडी यहाँ पर पता नहीं है, स्किप का ऑप्शन यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुका है, स्किप यहाँ पर कर देना है। इस तरह से स्किप यहाँ पर कर देना है दोस्तों। स्किप यहाँ पर करेंगे, गूगल सर्विस आएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर एक्सेप्ट यहाँ पर करने के बाद दोस्तों आपको सेट अनलॉक मेथड को इस तरह से आपको यहाँ पर इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर जो है ओके का ऑप्शन यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर ओके यहाँ पर कर देना है। चेकबॉक्स को अनटिक करके उसको जेटिंग फोन योर रेडी इस तरह से इंटरफेस आएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर करना है। इस तरह से आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है, और यूज नाउ में आप जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों फोन आपका सक्सेस।